जांजगीर के एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी अनिल सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी तादाद में नशीली सिरप जब्त करने के मामले का खुलासा किया। चांपा क्षेत्र के बालपुर गांव में पुलिस ने घर से 17 पेटी में भरे 2340 नग नशीली सिरप को जब्त किया है। जब्त नशीली सिरप की कीमत 3,64,200 रुपए है। मामले में चांपा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले में एक अन्य आरोपी अरशद खान फरार है। चांपा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बालपुर गांव में लक्ष्मी चौहान ने घर में बड़ी मात्रा में नशीली सिरप भंडारण करके रखा है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और 2340 नग नशीली सिरप जब्त किया और आरोपी लक्ष्मी प्रसाद चौहान को गिरफ्तार किया है। जब्त नशीली सिरप की कीमत 3,64,200 रुपए है। मामले में एक अन्य आरोपी अरशद फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि 3 माह पहले 30 पेटी नशीली सिरप लाया गया था, जिसमें पुलिस ने 17 पेटी को जब्त किया है। हाँ, उसके घर से कुल कार्टून में भरे हुए कुल 2340 नग मेक्स काफ नाम का और ओनरेक्स नाम का कप सिरप बरामद किया गया। उसके संबंध में दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया गया। उसके किसी भी प्रकार से आरोपी के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मामले के एक अन्य आरोपी करीबन 3 माह पूर्व उसे करीब 30 कार्टून यह नशीली सिरप उपलब्ध कराया था, जिसको कोई व्यक्ति आता था और उससे जो अन्य आरोपी है उससे बात करवा कर फ़ोन से उसे ले जाता था और स्वयं भी बिक्री करता था। इसके एवज में उसको 50 रुपया प्रति सिरप प्राप्त होता था। आरोपी के कब्जे से कुल 2340 नग नशीली सिरप और साथ ही एक मोबाइल और बिक्री से प्राप्त नकदी रकम 1,000 रुपया जब्त कर विधिवत एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजा जाए।